जय भीम नमो बुद्धाय। मेरा नाम सौम्य चौहान है और मैं एक पेशेवर मीडिया कर्मी हूं। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने न्यूज नेशन से इस्तीफा दे दिया है। मैंने वो नौकरी क्यों छोड़ी, इस्तीफा क्यों दिया, इस बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन आपके सामने आने के लिए मेरे पास एक खास वजह है। दरअसल मेरा एक सपना है, मेरा एक सपना है कि अपना एक बहुजन मीडिया हो, एक ऐसा बहुजन मीडिया जिसका राष्ट्रव्यापी असर हो, जिसे आप मनुस्ट्रीम मीडिया या मेनस्ट्रीम मीडिया कहते हैं वो उससे टक्कर ले सके, एक ऐसा बहुजन मीडिया जो किसी भी मामले में मेनस्ट्रीम मीडिया से पीछे ना रहे, चाहे ग्राउंड रिपोर्ट्स हो, चाहे तथ्यात्मक और रिसर्च बेस्ड रिपोर्टिंग हो, चाहे टॉक शो हो, चाहे इंटरव्यू हो, या फिर हमारे बहुजन नायक नायिकाओं पर डॉक्यूमेंट्रीज हो, वो हर मामले में मेनस्ट्रीम मीडिया को कड़ी टक्कर दे। एक ऐसा बहुजन मीडिया जो ना सिर्फ बहुजन समाज के ऊपर हो रहे अत्याचार को राष्ट्रीय स्तर पर उजागर करे, बल्कि हमारे समाज के प्रतिभाशाली और कामयाब लोगों की प्रेरणादायक कहानियां भी लेकर आए। मैं एक पेशेवर मीडिया कर्मी हूं और मुझे लगता है कि इस तरह का बहुजन मीडिया खड़ा किया जा सकता है। मैंने देश के सबसे प्रतिष्ठित मीडिया स्कूल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। उसके बाद एबीपी न्यूज के साथ मैंने करियर शुरू किया और कई साल वहां पर सेवाएं दी। उसके बाद मैं जी न्यूज में रहा और साथ ही इंडिया न्यूज में भी मैंने काम किया। मेरी आखिरी पारी न्यूज नेशन के साथ रही, लेकिन अब मैंने तय कर लिया है कि मैं मनुस्ट्रीम मीडिया में काम नहीं करूंगा और अपना खुद का बहुजन मीडिया खड़ा करूंगा। मेरे पास टेक्निकल नॉलेज है, मेरे पास एडिटोरियल सेंस है और पत्रकारिता किस तरह से की जाती है इसकी मुझे जानकारी है, और मुझे लगता है कि मेरा अनुभव और जानकारी बहुजन मीडिया खड़ा करने में मददगार साबित हो सकता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि अब तक बहुजन मीडिया खड़ा करने की कोशिशें नहीं की गई हैं। कई लोगों ने बहुत अच्छी पहल की है और उनकी इस पहल से मैं प्रेरणा लेता हूं। लेकिन मुझे लगता है कि इस समय देश में एक राष्ट्रीय बहुजन मीडिया होने की बहुत जरूरत है, एक बहुजन मीडिया जिसका राष्ट्रव्यापी असर हो, जो बहुजनों के हक की आवाज को राष्ट्रीय स्तर पर बुलंद कर सके। मैंने व्यक्तिगत तौर पर एक छोटी सी कोशिश की है। कुछ लोग YouTube पर द शूद्र चैनल को देखते होंगे। आप लोग सोचते होंगे कि इस चैनल को कौन चलाता है। आज मैं पहली बार सब लोगों को बता रहा हूं कि द शूद्र यूट्यूब चैनल मैं चलाता हूं। 1.5 साल पहले मैंने इसकी शुरुआत की थी। नौकरी करते हुए साथ में कुछ समय निकालकर मैंने यूट्यूब पर कुछ काम किया है। अब द शूद्र यूट्यूब चैनल के 3 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। आप द शूद्र पर मेरे किए हुए काम को देख सकते हैं, चाहे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की किताब एनालिसिस ऑफ कास्ट और वेटिंग फॉर वीजा को वीडियो बुक बनाना हो, या फिर बहुजन नायक नायिकाओं से जुड़ी अनसुनी कहानियों को सामने लाना हो। द शूद्र पर मैंने पिछले 1.5 साल में बहुत मेहनत की है, आप उस काम को देख सकते हैं। मेरी कोशिश है कि बाबा साहब की लिखी हुई सारी किताबों को हिंदी, अंग्रेजी और तमाम क्षेत्रीय भाषाओं में वीडियो बुक के रूप में तैयार करूं, ताकि जो लोग किताबें कम पढ़ते हैं वो उनको देखकर या सुनकर बाबा साहब या हमारे बहुजन नायक नायिकाओं के विचारों से प्रेरित हो सकें। मेरे पास तकनीकी समझ है, मेरे पास एडिटोरियल सेंस है, लेकिन मेरे पास संसाधनों की कमी है, मेरे पास उपकरणों की कुछ कमी है। इस तरह का कुछ भी काम करने के लिए आपको बुनियादी संसाधनों की जरूरत होती है, आपको कुछ स्पेशल उपकरणों की जरूरत होती है, इसलिए मुझे आपकी मदद चाहिए। मैं अम्बेडकरवादी पत्रकारिता के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर रहा हूं और अपने अनुभव को अम्बेडकरवादी पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रयोग करना चाहता हूं। अगर आपको लगता है कि मेरी ये पहल सही है और मैं ये काम कर सकता हूं, तो मुझे आपकी मदद की जरूरत है। आपकी ये छोटी सी मदद ना सिर्फ मेरा हौसला बढ़ाएगी, बल्कि अम्बेडकरवादी पत्रकारिता के क्षेत्र में कुछ कमाल कर दिखाएगी। मुझे खुद पर भरोसा है और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों से मुझे प्रेरणा मिलती है, इसलिए मैं बिना थके इस काम में लगा रहूंगा। आप अगर सहमत हों तो मुझे कुछ आर्थिक मदद दीजिए, ताकि मैं इस बहुजन मीडिया को खड़ा कर सकूं। मुझे आपकी कुछ आर्थिक मदद की जरूरत है। मेरे पास हौसला है और मेरे पास जज्बा है, लेकिन मेरे पास संसाधनों और उपकरणों की कुछ कमी है, जिसे आपकी मदद से पूरा किया जा सकता है।
अगर आपको सही लगे तो मुझे स्क्रीन पर दिए गए अकाउंट नंबर में कुछ आर्थिक मदद कीजिए। इस अकाउंट में आप सीधे पैसे भेज सकते हैं। इसके अलावा आप गूगल पे और पेटीएम के जरिए भी मुझे कुछ आर्थिक मदद कर सकते हैं। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप मुझे लाखों हजारों रुपए भेजिए, बल्कि आपके भरोसे का एक रुपया भी मुझे और मेहनत करने के लिए प्रेरित करेगा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपको निराश नहीं करूँगा और बाबा साहब की प्रेरणा से अम्बेडकरवादी पत्रकारिता के क्षेत्र में कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा। मुझे एक नारा बहुत प्रेरित करता है, हम अम्बेडकरवादी हैं और संघर्षों के आदि हैं। ये नारा मुझे कुछ काम करने की प्रेरणा देता है, लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अगर आपको मुझ पर भरोसा हो और आपको लगे कि मैं ये काम कर सकता हूँ तो मेरी मदद कीजिए। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो isumitchauhan@gmail.com पर ईमेल कर सकते हैं।